दिन नभ के तारे छिटे, आकाश में जिस दिन तारों का निर्माण हुआ, तारों ने टकटकाना शुरू किया, और जिस दिन से सूरज और चांद ईश्वर ने बनाए, उसी दिन से यह भारतवर्ष भी ईश्वर ने ही बनाया, और उसी समय से यह भारतवर्ष हमारा है। तब से यह देश हमारा है, यह अभिमान हमारा है। हम जिसके ऊपर अभिमान करते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, यह तभी से यह देश हमारा बना हुआ है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जब से सबसे पहले घटाओ, घटा यानी बादल, जिसमें पानी भरा हुआ होता है, बादलों ने गहराना सीखा था, तब से यह बादल भी उस समय आकाश में नहीं थे। कभी कहते हैं तभी से यह हिंदुस्तान हमारा, हत्यारे पर बादला पर लोता, धरती पर लोती, आकाश पर लोती, तारा पर लोता, प्यार के आधार पर छापू चेहरे कभी आपने जवाब मांगे थे। भारतवर्ष तब से यह हमारा है, जब से सबसे पहले घटाओं ने, बादलों ने आकाश में गहराना सीखा था, आकाश में उमड़ना सीखा था। सबसे पहले जब हवाओं ने लहराना सीखा था, हर हराना यानी चारों तरफ घूमना सीखा था, तब से यह हवाओं से भी पहले हमारा भारतवर्ष बना हुआ है, तब से हमारा भारतवर्ष है। जब सब जलधि यानी महासागर, जलधि यानी समुद्र, दरियो महासागर, जब सबसे पहले उनकी लहरें लहराना सीख रही थी, दरियों पर न तो समुद्र पर न तो, तभी से यह अनादि यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है, आदि क्षण से सबसे पहला क्षण, सबसे पहले यह जन्म स्थान हमारा है। यह सभी से यह भारतवर्ष हमारा है, और यह हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे कोटि बयालीस कोटि जन, 42 कोटि जन, त्यारे जरा कभी रफा नुसारे कोई बिचारे, इना 42 करोड़ की जनता अपना देश में भरी, जाने कितना माटे कहते हैं, पर तो अत्यारे तो अपने जानी कि 135 करोड़ की जनता थी, परंतु त्यारे 42 करोड़ की जनता थी, जरे कभी आप कविता लगेगी चे क्या कहे थे कि 42 कोटी जन, करोड़ों जन जेना कंठों माती आ वचन आ बातों उत्साह बनी निकले थे, त्यार भी आ प्रति पक्षी એટલે કે જે સામેના વિરોધી પક્ષ હોય છે તે જણ એને સાંભળીને કાપી દે છે અને બધાને ગરકાર કરે છે કે આ ભારતવર્ષ આપણું છે, યે ભારતવર્ષ હમારા હૈ, હમારે સગે દુશ્મન, ઇસ उत्साह भरे वचनों को सुनकर काट जाते हैं। उनके अंतरस्थल सिहरे अने हृदय में पण घबराई घबराट आई जाए छे, सीरी एटले के सहम जाना, डर जाना। ये सुनकर ये डर जाते हैं कि हमारे तो सारे देशवासी हैं, कहते हैं कि हमारे देश के सामने नजर बंद करना, ये हमारा देश है। आज नए युग के नैनों से गरीब अमीनी के पुण्य भरे कन्याले दी गई, એટલે નવા યુવા જે દેશભક્તિ ને ભાવના થી ભરેલા છે અને એના આંખો માં આપણા દેશ ની કુમારી ભરેલી છે, અપની ભરેલી છે, જે આપણા દુશ્મન આપણી સામે આંખો કરે છે એને ક્રોધ કરીને બગાડી દે છે, સામનો કરે છે અને કહે છે કે આ ભારતવર્ષ આપણું છે, તેની સામે તમે જોતા નહીં। कौन सामने आएगा, यह देश हमारा है, हमारा सामना कौन करेगा, जब इतने सारे कोटि प्यारे जनों के हृदय में यह देश भावना भरी हुई है, हमारा सामना कोई नहीं कर सकता है, कोई कहता है इसी प्रकार यह देश और यह भारतवर्ष हमारा है। इसमें यह कवि ने यह देशभक्ति से भरी हुई कविता लिखी है, आप इस कविता को पढ़िएगा और इसी प्रकार की दूसरी देशभक्ति से भरे हुए गीत और कविताओं को भी पढ़िएगा और उन्हें सुनने का प्रयत्न करिएगा, और इसके बाद में हम इसी बात के कुछ शब्दार्थ देखें तो जो कठिन शब्द कहे जाते हैं।
आप अपनी नोट में लिख लीजिएगा जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़, कंठ यानी गला, स्वरधारा यानी आवाज का निरंतर चलने वाला क्रम, जागे यानी जागृत हुए, सेजन यानी सजन, घने यानी बहुत से, विमल यानी स्वच्छ, विकार यानी तंबू यानी आकाश, इस कविता में इसका अर्थ है आकाश और धरती, अभिमान यानी वर्ग, घटा यानी उमड़ते हुए बादल, गहराना यानी उमड़ना, बहराना यानी गहजना, सभी काट जाते हैं इसकी गर्जना को सुनकर, जलती यानी समुद्र, लहरे यानी लहराना, अनादि यानी जिसका अंत ना हो, जन्म स्थान यानी जहाँ जन्म हुआ हो, अंतर स्तर यानी हृदय, सिहराना यानी भय से जलन, सहराना यानी भय से कांपना, ध्वलित यानी जलता हुआ, पुण्य यानी राशि समूह। इस प्रकार ये सारे शब्द अपने नोट में